सत श्री अकाल जी। टैट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब का स्वागत है। अज मैं हाजिर होया एक नवी वीडियो दे नाल ते अज दी अपनी वीडियो का टॉपिक है पंजाबी सूबा लहर अते पंजाब दी वंड जो कि 1966 दे विच हुई। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो नू। सब तो पहला आपां नू पता होना चाहिए कि पंजाबी सूबा लहर है ये क्यों चलाई गई। तो यह चलाई गई सी भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर उत्थान नू लैके, ठीक है। भाषा के आधार पर एक अलग सूबा बनाने के लिए लहर चलाई गई सी जिसका नाम होगा जी पंजाब, ठीक है जी। तो चलाई गई थी सिखा वालों स्पैशली, क्योंकि सिख का जो सारा गुरबाणी है, ठीक है, वह पंजाबी दे विच है। भारत सरकार की पंजाबी भाषा के आधार पर वक्खरा सूबा बनाने विच कोई दिलचस्पी नहीं सी। क्यों नहीं सी दिलचस्पी? क्योंकि उन्हां दा मनना सी कि यह सीधे रूप में धर्म के आधार पर प्रदेश की वंड होगी, किसी राज की वंड होगी, क्योंकि सरकार नहीं चाहती सी कि कोई भी सूबा धर्म के आधार पर बने। तो 1953 दे विच नवा पंजाबी सूबा बनाने की मंग सी, जो उसका केस प्रदेश पुनर निर्माण कमीशन नू सौंपया गया। तो प्रदेश पुनर निर्माण कमीशन ने की उत्तर दिता? उन्होंने कहा कि पंजाबी तो ते हिंदी का जो वर्णबोध है वह लगभग सेम है, ठीक है, इको तरह का है दोनों का वर्णबोध। तो उन्होंने पंजाबी सूबा अलग तो बनाने की जो मंग सी उन्हें ठुकरा दिता, ठीक है। उस तो बाद 1 नवंबर 1956 पैप्सू नू पंजाब दे विच मर्ज कर दिता गया, ठीक है। इस नाल भी जो अकाली लीडर सन वह पंजाबी सूबा अलग तो बनाने की मंग ते डटे रहे, ठीक है जी। तो इस मंतव लई सिखां नू इकजुट करन दे विच अकाल तख्त ने विशेष भूमिका निभाई। शांतिमई रोस प्रदर्शन किए गए, गिरफ्तारियां भी हुई। उस तो बाद पूछा जाता है कि पंजाबी सूबा लहर के प्रमुख आगू कौन सन? तो पेपर के जो पूछा जाता वह आता जी नाम मास्टर तारा सिंह का। जे मास्टर तारा सिंह पेपर के ना आए तो दूजा नाम आता जी संत फतेह सिंह। तो मास्टर तारा सिंह संत फतेह सिंह प्रमुख लीडर सन पंजाबी सूबा लहर के, ठीक है। पेपर के जे मास्टर तारा सिंह है तो तुम मास्टर तारा सिंह से ही टिक लगाना है, ठीक है जी। तो इसके लिए की होया फिर एक कमेटी बनती है जी जिसनों सा कमीशन के नाम नाल जाणिया जाता है, ठीक है। सा कमीशन के दिशा निर्देश से पंजाब पुनर उत्थान एक्ट लागू कर दिता जाता है। 1 नवंबर 1966 नूं तीन हिस्सों में वंडिया जाता है, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। 1966 सरकार ने वक्खरा पंजाबी सूबा बनाने की मंग मन ली सी। तो हुण अगे आपां देखदे आं वंड होई किवें। तो पंजाब सीमा कमीशन 1966 आपां पढ़ते हाँ जी। अप्रैल 1966 दे विच गांधी सरकार वल्लों पंजाबी सूबा बनाने की मंग नूं अंतिम रूप में स्वीकार कर ली गई, ठीक है जी। तीन मैंबरी कमेटी बनाई गई जिसनों, ठीक है, पंजाबी सीमा कमेटी बनाई गई जिसनों सा कमीशन के नाम नाल जाणिया जांदा सी। तां इस कमेटी के जो चेयरमैन सन, मुख्य लीडर सन, वह सन जे सी साह, ठीक है। इन्हां दे नाम ते ही इस कमेटी नूं सा कमीशन के नाम से जाणिया जांदा सी। ते दो होर मैंबर सन इस दे विच, टोटल तीन मैंबर सन, मुखी सन जे सी साह, इस तो इलावा एस दत्त अते एम फिलिप्स भी पंजाब सीमा कमीशन कमेटी बनी सी उस दे मैंबर सन, ठीक है। इसका मंतव की सी भाषा के आधार पर पंजाब बनाउणा, ठीक है जी। सा कमीशन के दिशा निर्देश हेठ पंजाब पुनर उत्थान एक्ट लागू किया गया। तो 1 नवंबर नूं पंजाब नूं तीन हिस्सों में वंडिया गया, पंजाब हरियाणा अते हिमाचल प्रदेश। हुण इह वंड किवें होई अगे आपां देखदे हां जी। जो दक्षणी पंजाब के कुछ हिंदी बोलते इलाके सन उन्होंने मिला के हरियाणा बना दिता गया, इसलिए पंजाब के दक्षण के हरियाणा है, ठीक है, ये भी तुसी याद रखना है। तो पहाड़ी भाषा बोलते इलाके हिमाचल प्रदेश में मिला दिते गए। इस तो इलावा चंडीगढ़ तो इलावा बाकी बचता हिस्सा पंजाब के बिच आ गया, ठीक है। पुआधी पिंड सन उन्होंने मिला के चंडीगढ़ बना दिता गया। तो 1966 तो पहला पंजाब बहु गिनती हिंदू प्रांत से, ठीक है, हिंदू राज से। उस समय इस 63.7% हिंदू सन, ठीक है जी। पर भाषाई वंड वेले हिंदू बहु गिनती जिले प्रांत नालों वक्ख कर दिता गया। पंजाब की पुरानी राजधानी लाहौर नूं बदल के, ठीक है, उस तो बाद शिमला बनी। शिमले तो बाद जदों 1966 हरियाणा अलग हुए तो हरियाणा ते पंजाब दोनों ने चंडीगढ़ से अपना हक जताया भी चंडीगढ़ सानू आना चाहिए। तो चंडीगढ़ का की किया गया, उन्होंने केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिता गया।
ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਹਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੈਟਸ ਆਲ ਗਾਈ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ।